हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ में अर्पण भैया। अर्पण भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज आप व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आए हैं प्रोडक्ट? आज व्यूअर्स के लिए एक नई चीज़ आया है। आज आपने देखा होगा, आज लॉन्चिंग करी है कंपनी ने स्कॉर्पियो एन क्लासिक, जो उनकी क्लासिक मॉडल जो आने वाला है उसका लॉन्च किया हुआ है। और उसमें पीछे आप देखेंगे तो उसमें एक पिलर, डी पिलर पहले आता था, अब आजकल वो लाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो हालांकि लाइट में तो कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें किस तरीके से ये काम करेगी, तो उसका एक मॉडिफिकेशन का एक नई, पीछे की जो डी पिलर रहता था उसके लिए नई लाइट आई हुई है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बॉक्सिंग रखी हुई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो बहुत टाइम से आ रही है, बट लाइट अभी आई है क्योंकि क्लासिक वेरिएंट के डी पिलर में अब लाइट देने लगे रिफ्लेक्टर वाली। मतलब वो जलती नहीं है ना, टॉप एंड में भी जलने वाली नहीं है। वो जलेगी नहीं, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्टर टाइप का रहेगा। अच्छा, लेकिन अपने पास जो रखी है इसमें इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बहुत सारी चीजें हैं। डीआरएल के साथ है और बहुत खूबसूरत रहने वाली है। तो देखते हैं भैया, इसको अनबॉक्स करेंगे और हम आपको दिखाते हैं कि कैसी रहती है ये, एंड लगने के बाद में कैसी लगेगी वो भी स्कॉर्पियो के अंदर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि लगने के बाद में क्या रिस्पॉन्स आता है। तो वैसे यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात करें तो लाइट्स की क्वालिटी के साथ में जो बॉक्सिंग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होकर आई है। तो भैया प्लीज़ आप बताइए। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जो इसकी जो हाउसिंग वगैरह है, जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ करी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं शाइनिंग में है। हाँ, जैसा कंपनी यूज़ करती है सेम उसी पैटर्न पर पूरी है। बस ये पूरी फुल्ली वर्क फंक्शनल रहेगी आपकी। फंक्शनल कैसे रहेगी, यहाँ पर आप DRL देख सकते हैं, ये आपका जो इंडिकेटर है, रनिंग इंडिकेटर रहता है। ये जब स्टार्ट होता है तब भी बहुत एक मैट्रिक्स टाइप में स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, कूल फीचर लगेगा गाड़ी के अंदर जब भी आप लगाएंगे गाड़ी में अपनी, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर ये निकाल लेते हैं हम पन्नी को। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर आपको ये DRL मिलती है इस टाइप से, अंदर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा एंड ब्रेकिंग पे लाइटिंग और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, तो सारे इसके अंदर मोड्स मिलेंगे। एंड वायरिंग यहाँ पर दी हुई है, तो वायरिंग भी आप देखिए, और स्कॉच लॉक के थ्रू होगी भैया वायरिंग, तो स्कॉच लॉक के थ्रू हो जाएगी, कपलर्स के अंदर जो है वायर इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वारंटी वगैरह अवॉइड नहीं होगी इससे, है ना। और इसमें आपको दो पीसेस मिलते हैं बॉक्सिंग के अंदर में, तो आराम से जो अपनी गाड़ी के दो डी पिलर्स होते हैं ना उधर पे इजीली फिट हो जाएगी। एंड एक बार अब हम आपको इसको जलाकर दिखाते हैं कि किस टाइप से ये DRL का मोड होता है, फिर गाड़ी के अंदर आपको दिखाएंगे लगाकर कि किस टाइप से एम्बियंस आता है गाड़ी के अंदर लगने के बाद में। तो यहाँ पर इसकी वायरिंग को हमने अटैच कर दिया, एंड आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस टाइप से इसका DRL इफेक्ट आता है। तो भैया यहाँ पर वायरिंग कनेक्ट कर रहे हैं, एंड ये आप देखिए, लाइटिंग को भी हम बंद कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखिए जो एम्बियंस है वो आपको नो डाउट बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। एंड गाड़ी के अंदर लगने के बाद में जो रिस्पांस आएगा वो तो काफ़ी अल्टीमेट रहेगा। यहाँ पर आप देखिए DRLs आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड काफ़ी अच्छे स्टार्टिंग मोड के साथ में स्टार्ट होती है, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड नाइट टाइम में काफ़ी अच्छी लगने वाली है। ये काफ़ी कूल लग रही है भैया, कैसा है रिस्पॉन्स, आपको कैसा दिख रहा है आप बताइए। मतलब जो डी पिलर लोग लगाते थे ब्लैक कलर का जो लगा आता था, हाँ, उससे मतलब उसमें कुछ ज़्यादा लुक एनहांस नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर क्या है ना, एक फील आएगा पीछे, मतलब गाड़ी जो चल रही होंगी और देखेंगी कि स्कॉर्पियो इस टाइप के अवतार में आ रही है, तो जो स्कॉर्पियो लवर्स हैं उनके लिए सबसे मस्त है कि ये गाड़ी में आप उनके इंस्टॉल कराइए। बिल्कुल सही, गाड़ी का जो फील है उसको और थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी खुद ही मतलब एक अपील में बहुत बढ़िया है, बट पीछे से थोड़ा सा कहीं ना कहीं लुक ना मैच नहीं होता था। आगे से अच्छी लगती है, बट पीछे से अब इसको लगने के बाद में जो लुक है वो इनहेंस हो जाएगा। एंड किसी के पास अगर पुरानी स्कॉर्पियो तो भैया उसके अंदर फिट हो जाएगा ये। पुरानी स्कॉर्पियो के अंदर अगर आपको फिट कराना है, मतलब स्कॉर्पियो को पीछे से तो बना सकते हैं, पीछे से आप क्लासिक में कन्वर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको हो सकता है। और लोगो वगैरह भी हम लेकर आएंगे, बटरफ्लाई लोगो, अब गाड़ी आने दीजिए, उसके बाद में सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड मिलता है इंडिकेटर में, और ये देखिए इंडिकेटर आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में मिलते हैं, ये ऊपर जा रहे हैं ना, तो इस टाइप से आपको इंडिकेटर मिलते हैं, तो काफी अच्छे लग रहे हैं ये दिखने में। इसके बाद में ये और क्या क्या मोड है, नॉर्मल इसका ये ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पे, ब्रेकिंग के लिए आता है ये, ब्रेकिंग के लिए मोड है, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, एंड नो डाउट गाड़ी के अंदर ये लगने के बाद में काफी अच्छी लगने वाली है। तो अब लेकर चलते हैं हम आपको गाड़ी की तरफ, एंड दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर लगने के बाद में क्या रिस्पांस आता है। तो चलिए स्कॉर्पियो में इसको लगाकर आपको दिखाते हैं। सो फाइनली यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर लग चुकी है हमारी डी पिलर लाइट, जिसे हम पिलर लाइट भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए जो स्कॉर्पियो है S10 वेरियंट है ये, एंड अगर आपके पास में स्कॉर्पियो का बेस मॉडल भी है तो उसके अंदर भी ये इजिली फिट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। एंड दिखने में आप देखिए
फैबुलस लग रही है। गाड़ी का बैक साइड से जो एलिमेंट है वो पूरा निखर कर आ चुका है एंड अभी आपको इसको जलाकर हम दिखाते हैं। तो लाइट अप होने के बाद में जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है वो आप पीछे से देखिए, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड अगर आपके पास में स्कॉर्पियो है तो ये तो लगवाना बनता है आपकी स्कॉर्पियो के अंदर, जिससे पीछे से जो गाड़ी का ओवरऑल लुक है ना वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। एंड इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं, लाइक जैसे ही आप ब्रेक वगैरह दबाएंगे तो इस टाइप से जो लाइटिंग है वो आपको यहाँ पर मिलेगी पिलर लाइट में, तो काफ़ी अच्छी लगती है एंड आप भी लगवा सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन देख ली है, काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। तो भैया इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में भी आप व्यूअर्स को बता दीजिए, क्योंकि प्राइसिंग के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इसकी प्राइस अगर रहने वाली है पूरी 9,000 रुपीज़ की विद इंस्टॉलेशन जी। तो अगर आपको अपनी स्कॉर्पियो के अंदर लगवाना है तो बिल्कुल आप लगवाइए एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। इसी के साथ भी आप अपना नंबर प्लीज़ बता दीजिए व्यूअर्स अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे तो। मेरा नंबर है 7000002956। और इंस्टाग्राम की आईडी? इंस्टाग्राम की आईडी स्टार कार डेकोर। तो दोनों का आप जरूर फॉलो करें, स्टार कार डेकोर एंड टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। एंड हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।